जय हिंद बच्चों, आज के लेक्चर में हम लोग सीखेंगे कि कैसे किसी m बाई n मैट्रिक्स को, अगर हमारे पास कोई मैट्रिक्स A है जो कि m बाई n ऑर्डर का है, m रोज और n कॉलम्स हैं, तो उस मैट्रिक्स को कैसे हम कैनोनिकल फॉर्म में या नॉर्मल फॉर्म में चेंज करते हैं। और उससे पहले ये जानना ज्यादा जरूरी है कि कब हम कहते हैं कि कोई मैट्रिक्स नॉर्मल फॉर्म में है या कैनोनिकल फॉर्म में। ओके, अगर हमारे पास कोई m बाई n मैट्रिक्स है और कुछ ई ऑपरेशंस के जरिए, ई ट्रांसफॉर्मेशंस के जरिए, चाहे वो रो ट्रांसफॉर्मेशन हो चाहे कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन हो, उसके जरिए अगर हम इस दिए हुए मैट्रिक्स ए को कुछ इस तरह के फॉर्म में अगर चेंज कर देते हैं, कुछ इस तरह के फॉर्म में आई आर जीरो जीरो जीरो, क्या करते हैं, हमारे पास कोई मैट्रिक्स ए है जिसमें एम रोज है, एन कॉलम्स है, और ई ऑपरेशंस या ई ट्रांसफॉर्मेशंस के जरिए, चाहे वो रो ट्रांसफॉर्मेशन हो चाहे कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन हो, इस मैट्रिक्स ए को हम अगर कुछ इस फॉर्म में चेंज कर सकते हैं, जहां पर ये हमारा आई आर जो है वो रिप्रेजेंट करता है आइडेंटिटी मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर आर, आइडेंटिटी मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर आर, और जो यहाँ पर जीरोज हैं, ये जीरो और ये जीरो, ये रिप्रेजेंट करते हैं जीरो मैट्रिक्स को। अगर ए को हम कुछ इस फॉर्म में चेंज कर सके कि लेफ्ट जो टॉप लेफ्ट कॉर्नर है हमारा, उस पर हमारा एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स बन जाए और उसके अलावा जो एलिमेंट्स हैं वो जीरो मैट्रिक्स फॉर्म करें, तो हम कहते हैं कि हमारा मैट्रिक्स ए जो है वो किस फॉर्म में है, कैनोनिकल या नॉर्मल फॉर्म में। ओके, तो कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं। जैसे मान लिया हमारे पास एक मैट्रिक्स है कुछ इस तरह से, ए इक्वल 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0। ओके, ये हमारे पास मैट्रिक्स है, तो हम क्या करते हैं, हम लेफ्ट टॉप लेफ्ट कॉर्नर पे जो अगर आइडेंटिटी मैट्रिक्स बनता है तो उसे हम आई से डिनोट करेंगे। तो ये देख रहे हैं हमारा ये जो पूरा मैट्रिक्स है ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स फॉर्म कर रहा है, यानी हम इसे कुछ इस नोटेशन में लिख सकते हैं, आई कितने ऑर्डर का है, थ्री ऑर्डर का, तो आई थ्री, और ये हमारा एक जीरो मैट्रिक्स फॉर्म हो रहा है जिसमें कितने रोज है, 1 2 3 और कॉलम 1, यानी 0 3 × 1। तो ये हमारा मैट्रिक्स जो है ये क्या है, ये नॉर्मल फॉर्म में। जब हमारा कोई मैट्रिक्स नॉर्मल फॉर्म में चेंज हो जाता है तो ये जिस ऑर्डर का आइडेंटिटी मैट्रिक्स हमारा यहाँ पर बनता है टॉप लेफ्ट कॉर्नर पे, उसके ऑर्डर को ही कहते हैं रैंक ऑफ द मैट्रिक्स ए, वही रैंक ऑफ द मैट्रिक्स ए हो जाता है। ओके, तो यहाँ पर यह हमारा है आइडेंटिटी मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 3। तो अगर हमारा मैट्रिक्स ए कुछ इस तरह से है तो हम कह सकते हैं रैंक ए इक्वल्स रो ए इक्वल्स 3। तो ये हमारा एक हो गया नॉर्मल फॉर्म का एग्जांपल। एक दो एग्जांपल्स और देख लेते हैं कि कब कोई मैट्रिक्स हमारा नॉर्मल फॉर्म में है तो उस कुछ किस तरह का दिख सकता है। जैसे एक मैट्रिक्स ये ले लेते हैं हम लोग, 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0। ओके, तो चेक करने के लिए ये नॉर्मल फॉर्म में है या नहीं, हम देखते हैं टॉप लेफ्ट कॉर्नर पे हमारा आइडेंटिटी मैट्रिक्स अगर कोई बन रहा है तो 1 0 0 1, ये हम देख रहे हैं कि ये जो है ये हमारा एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स बना रहा है। तो करना क्या होता है, इस आइडेंटिटी मैट्रिक्स को ये इस तरह से हम कुछ अलग कर लेते हैं, सेपरेट कर लेते हैं। ओके, तो ये हमारा इस 1 0 0 1 की जगह हम लिख सकते हैं आइडेंटिटी मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 2। ये हमारा हो गया जीरो मैट्रिक्स, दो रोज और दो कॉलम्स है तो 2 by 2 ऑर्डर का। यहां पर भी एक जीरो मैट्रिक्स रो मैट्रिक्स बन रहा है, जीरो रो मैट्रिक्स, एक रो दो कॉलम्स, और यहाँ पे भी जीरो रो मैट्रिक्स, एक रो दो कॉलम्स। तो ये भी हमारा कुछ जो है वो नॉर्मल फॉर्म में है ये मैट्रिक्स भी। और रैंक क्या हो जाएगा इस मैट्रिक्स ए का, जिस ऑर्डर का हमारा यहाँ पे आइडेंटिटी मैट्रिक्स बन रहा है वो, यानी रैंक हो गया हमारा 2। ओके, तो ये कुछ एग्जाम्पल्स थे नॉर्मल फॉर्म ऑफ अ मैट्रिक्स के। अब हम सीखेंगे कि किसी मैट्रिक्स, दिए हुए मैट्रिक्स को हम इस पर्टिकुलर फॉर्म में कैसे ला सकते हैं। ओके, कोई पर्टिकुलर मैट्रिक्स दिया हो और हमें अगर कहा जाता है कि फाइंड द रैंक ऑफ मैट्रिक्स ए, क्वेश्चन अगर हो कि फाइंड रैंक ए बाय चेंजिंग इट इनटू नॉर्मल फॉर्म और कैनोनिकल फॉर्म, तो हमें पता होना चाहिए कि उस मैट्रिक्स ए को कैसे हम इस पर्टिकुलर फॉर्म में चेंज करें, वो प्रोसेस हमें पता होना चाहिए। और एक बार अगर हमारा मैट्रिक्स ए चेंज हो गया इस फॉर्म में तो रैंक ऑफ द मैट्रिक्स क्या हो जाएगा, जिस ऑर्डर का हमारा यहाँ पे आइडेंटिटी मैट्रिक्स बन रहा है वो। एक बात और ध्यान देने वाली जो यहाँ पर नोट कर लीजिए आपने, कि मैट्रिसेस के इस यूनिट में हम चाहे जो भी क्वेश्चंस करेंगे, इशलॉन फॉर्म में चेंज करना किसी मैट्रिक्स को, या किसी मैट्रिक्स का, किसी नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स का इन्वर्स निकालना,
और वो भी किसके किस जरिए, एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन के जरिए। तो दो तीन बातें हैं। सबसे पहले किसी मैट्रिक्स को इक्शेलॉन फॉर्म में चेंज करना, ए इनवर्स कर फाइंड करना बाय एलिमेंट्री ऑपरेशंस, और आगे के लेक्चर्स में हम क्या करेंगे, हम लीनियर इक्वेशंस को सॉल्व करना सीखेंगे। सॉल्व लीनियर इक्वेशंस, चाहे वो होमोजेनियस केस हो चाहे नॉन होमोजेनियस केस हो, इन सारे केसेस में हम क्या करेंगे, केवल ई रो ट्रांसफॉर्मेशंस को अप्लाई करेंगे, केवल रो ट्रांसफॉर्मेशन अप्लाई करेंगे। ओके और केवल एक जो हम लोग का टॉपिक है नॉर्मल फॉर्म में किसी मैट्रिक्स को चेंज करना या कैनोनिकल फॉर्म में, बस इसमें हम रो एंड कॉलम बोथ ई ट्रांसफॉर्मेशंस को यूज करेंगे। इसमें हम रो ई रो और ई कॉलम दोनों ट्रांसफॉर्मेशंस को अप्लाई करेंगे। इसके अलावा कहीं भी कोई भी हमारा क्वेश्चन है तो उन सब में हमको ई रो ट्रांसफॉर्मेशंस ही लगाना है, केवल रो ऑपरेशंस को ही अप्लाई करना है। ठीक है, तो इस पूरे यूनिट में क्या करना है, बस नॉर्मल फॉर्म में जब मैट्रिक्स को चेंज करेंगे तो हम रो और कॉलम दोनों यूज करेंगे। याद रखना है बस एक जगह नॉर्मल फॉर्म में चेंज करने के लिए रो और कॉलम दोनों अप्लाई करना है। उसके अलावा कोई भी क्वेश्चन हमारा है तो उसमें हम लोगों को क्या करना है, रो ट्रांसफॉर्मेशन ही अप्लाई करना है, ये बात याद रखिएगा आप लोग। ओके अब आते हैं कि किसी मैट्रिक्स को कैसे रो ट्रांसफॉर्मेशन के जरिए, रो या कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन की हेल्प से हम नॉर्मल फॉर्म में चेंज कर सकते हैं। उसका वर्किंग रूल है कि हमारे पास कोई भी मैट्रिक्स दिया होगा, एक क्वेश्चन देते हैं और उसी से वर्किंग रूल समझ लेते हैं तो ज्यादा आसानी होगी। मान लिया हमारे पास ये एक एग्जांपल ले लेते हैं। ओके हमारे पास एक मैट्रिक्स है ए इक्वल्स 4 3 0 -2 3 4 -1 -3 -7 -7 1 5। यह हमारे पास एक मैट्रिक्स है 3x4 ऑर्डर का, 3 रोज 4 कॉलम्स है इसमें, और हमें इसे क्या करना है, चेंज करना है नॉर्मल फॉर्म में और फिर इसका रैंक निकालना है। तो हमें पता है कि नॉर्मल फॉर्म में हमारा ये लेफ्ट टॉप लेफ्ट कॉर्नर पे क्या होता है, एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स बनना चाहिए और उसके अलावा उस आइडेंटिटी मैट्रिक्स के अलावा जितने एलिमेंट्स है सारे जीरो हो जाने चाहिए। तो स्टार्ट क्या करते हैं, सबसे पहले हमें पता है कि आइडेंटिटी मैट्रिक्स का पहला एलिमेंट जो होता है वो क्या होता है, हमको यहाँ पे 1 करना है। ओके यहाँ 1 चाहिए, तो 1 लाने का कई तरीका है, किसी भी रो या कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन के जरिए हम यहाँ पर 1 कर सकते हैं। तो क्या करें, अगर हम इस रो में से इस रो को माइनस कर देते हैं, रो 1 में से रो 2, तो 4 -3 यानी यहाँ हमारा पहला एलिमेंट 1 हो जाएगा। तो जब भी कोई मैट्रिक्स दिया हो सबसे पहला काम हमें इस पोजीशन पे टॉप लेफ्ट कॉर्नर फर्स्ट एलिमेंट ऑफ फर्स्ट रो एंड फर्स्ट कॉलम जो है उसको 1 करना है, क्योंकि आइडेंटिटी मैट्रिक्स में वहां पर 1 होना चाहिए। ओके तो यहाँ पर किसी भी ट्रांसफॉर्मेशन को हम अप्लाई कर सकते हैं, सबसे आंसर सेम आएगा। मैंने यहाँ पे क्या किया है, रो 1 में से रो 2 को माइनस किया है, तो यहाँ पर 4 -3 यानी 1 हो गया, 3 -4 करेंगे तो -1, 0 -1 यानी 1, -2 -3 यानी 1। बाकी सारे जो हमारे एलिमेंट्स हैं वो वैसे के वैसे ही रहेंगे। ओके तो सबसे पहला काम नॉर्मल फॉर्म में चेंज करने के लिए किसी भी रो या कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन की हेल्प से हमें यहाँ 1 करना है। अब आइडेंटिटी मैट्रिक्स में आपको पता होगा कि पहला एलिमेंट 1 और उसके नीचे सारे एलिमेंट 0 होते हैं आइडेंटिटी मैट्रिक्स में। ठीक, यानी 1 अगर हो गया तो यहाँ भी 0 करना है और यहाँ भी 0 करना है, क्योंकि आइडेंटिटी मैट्रिक्स में आइडेंटिटी एलिमेंट के 1 के नीचे सारे एलिमेंट 0 होते हैं। ठीक, तो इस 1 की हेल्प से, अब जो 1 है उसी की हेल्प से हम 3 को भी 0 करेंगे और -7 को भी 0। ये 3 इसकी जगह 0 लाने के लिए क्या करेंगे, रो 2 में से अगर हम रो 2 -3 R1 कर देते हैं, इस रो ट्रांसफॉर्मेशन को लगाते हैं, तो यहाँ 0 हो जाएगा। इस 1 की हेल्प से यहाँ कैसे 0 कर सकते हैं, इस रो में 7 मल्टीप्लाई करें और फिर लाकर इसमें एड कर दें, तब यहाँ पर 0 हो जाएगा, यानी रो 3 इज रिप्लेस्ड विथ रो 3 + 7 R1। ये एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन जब लगाते हैं तो जो इक्विवेलेंट मैट्रिक्स हमें मिलेगा उसका पहला रो तो सेम वैसा ही होगा जैसे ऊपर था। ठीक, सेकेंड रो में जैसे यहाँ पर क्या कर रहे हैं, हम इस रो में 3 मल्टीप्लाई कर रहे हैं और इसको लाकर इस रो में से सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, तो यहाँ पर हमारा 0 हो गया, यहाँ 3 मल्टीप्लाई किया तो -3 और 4 में से सब्ट्रैक्ट किया तो 4 -3 यानी यहाँ 7 हो गया। ऐसे ही हमारे बाकी एलिमेंट्स -4 -6। अब ये लास्ट रो जो है इसमें हम क्या कर रहे हैं ट्रांसफॉर्मेशन, फर्स्ट रो में 7 मल्टीप्लाई किया और लाकर रो 3 में ऐड किया, तो यहाँ जैसे ही 7 मल्टीप्लाई करेंगे 7 आया और -7 + 7 यहाँ 0, यहाँ 7 मल्टीप्लाई किया तो -7 और -7 क्या हो गया हमारा -14, यहाँ 7 मल्टीप्लाई किया तो 7 + 1 यानी 8, यहाँ 7 मल्टीप्लाई किया तो 7 + 5 यानी 12, कुछ इस तरह से है।
तो नॉर्मल फॉर्म में चेंज करने के लिए पहला एलिमेंट वन किया, उसकी हेल्प से नीचे जीरो किया। अब आप जानते होंगे आइडेंटिटी मैट्रिक्स में इस वन के नीचे अगर जीरो है तो उसके एडजेसेंट एलिमेंट भी सारे जीरो होते हैं। ठीक, वन के ठीक नीचे जो एलिमेंट है वो भी जीरो आइडेंटिटी मैट्रिक्स के लिए, क्योंकि कोई भी आइडेंटिटी मैट्रिक्स जब हम बनाते हैं तो कुछ इस तरह से दिखता है। ठीक, तो ये वन अगर है तो इसके बगल के सारे एलिमेंट जीरो, उस रो के सारे एलिमेंट जीरो, उस कॉलम के और उस रो के सारे एलिमेंट्स क्या हो जाएंगे, जीरो हो जाएंगे। ठीक है, तो यहां पर अब हमारा ये तो जीरो हो गया। अब इस वन की हेल्प से इसे जीरो करना है, इसे जीरो करना है और इसे जीरो करना है इसी वाले कॉलम की हेल्प से। तो अगर हम यहां पर क्या करते हैं, इसमें अगर इसको लाकर ऐड कर देते हैं कॉलम टू में, क्या करते हैं हम कॉलम टू प्लस कॉलम वन, तो ये जीरो हो जाएगा। कॉलम थ्री यहां से अगर हम इस कॉलम वन को लाके, ये ध्यान देना है कि जो वन है इसी वन की हेल्प से हमको इसके नीचे के एलिमेंट भी जीरो करने हैं और इसके बगल के एलिमेंट भी जीरो। तो इस वन को इसमें से सब्ट्रैक्ट करेंगे, यानी सी थ्री को रिप्लेस करेंगे सी थ्री माइनस सी वन से, और इसको जीरो करना है तो इसको भी इसी वन की हेल्प से जीरो करना है, यानी सी फोर को हम रिप्लेस करेंगे सी फोर माइनस सी वन से। ठीक, तो ये तीनों एलिमेंट भी हमारे जीरो हो जाएंगे, तो वन जीरो 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 जीरो, और बाकी एलिमेंट सेम टू सेम वैसे ही हमें उतार देने हैं। क्यों? क्योंकि ये जो हमारे इस कॉलम के वन के अलावा जो एलिमेंट है जीरो है, तो हम कोई भी ट्रांसफॉर्मेशन लगाएंगे इसमें, कुछ भी मल्टीप्लाई कर रहे वो जीरो ही रहना है। तो जैसे ही हमने सी टू ये वाले कॉलम में ये वाला कॉलम ले जाकर ये कॉलम यहां हम ऐड कर रहे हैं, तो ऐड करते ही हमारा यहां पर क्या हो जाएगा, ये एलिमेंट जीरो, जीरो प्लस सेवन यानी सेवन, जीरो माइनस फोर्टीन यानी माइनस फोर्टीन। अब इस कॉलम को जब इसमें ऐड करेंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे, क्योंकि सी थ्री माइनस सी वन कर रहे हैं, तो ये जीरो, यहां से माइनस फोर जीरो। तो आपको क्या करना है, सिंपली अगर आपने पहला कॉलम में फर्स्ट एलिमेंट वन और उसके नीचे जीरो किया है, और इसकी हेल्प से अगर आप इन सबको जीरो करने जा रहे हैं, तो बस ये एलिमेंट्स जीरो आप करेंगे और बाकी वैसे का वैसे ही उतार देंगे, कुछ कैलकुलेशन की जरूरत नहीं। ठीक है, करके आप देख सकते हैं सेम वही एलिमेंट आएगा। अब ये हमारा आइडेंटिटी मैट्रिक्स में हमें पता है पहला एलिमेंट वन, उसके नीचे सारे जीरो, उसके बगल के सारे एलिमेंट जीरो, तो हो गया। नेक्स्ट, अब आइडेंटिटी मैट्रिक्स में क्या करते हैं हम, डायगनली आते हैं और ये एलिमेंट हमारा वन होना चाहिए। अगर हमारा आइडेंटिटी मैट्रिक्स होता है तो कुछ इस तरह से यहां जीरो हो गया, तो ये अब नेक्स्ट ये वन होता है। ठीक, इसके नीचे जीरो और इसके बगल के जीरो, तो हमें नेक्स्ट यहां पर वन करना है किसी भी ई रो या ई कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन जो हमें सही लगे, जिससे आसानी पड़े, उसकी हेल्प से हम कर सकते हैं। ओके, अब इसको वन करने से पहले एक चीज मैंने इशलॉन फॉर्म में चेंज करते समय भी बताई थी, कि अगर किसी स्टेप पे आपको लगता है कि कोई रो किसी नंबर का मल्टीपल है, तो उस रो को उस पर्टिकुलर नंबर से पूरा डिवाइड कर दीजिए ताकि कुछ छोटे डिजिट्स आ जाए हमारे पास। या अगर लगता है कि कोई दो रो एक जैसे हैं, या कोई एक रो ऐसा है जिसको दूसरे रो से सब्ट्रैक्ट करने पे सारे एलिमेंट जीरो हो जाते हैं, तो वो हम बीच में करते चलते हैं प्रोसेस में। तो यहां पर जैसे आपको दिख रहा होगा कि ये रो का ठीक अगर इसमें हम टू मल्टीप्लाई करते हैं, तो यहां पर हमारा सेम ये जो है इसी तरह के एलिमेंट्स मिलेंगे और ये रो हमारा जीरो होने की संभावना हो जाएगी। यानी रो थ्री को अगर हम चाहें तो पूरा का पूरा जीरो बना सकते हैं। कैसे? रो थ्री माइनस या रो थ्री प्लस टू आर टू, जैसे हम इसमें टू मल्टीप्लाई करते हैं हो जाएगा फोर्टीन, और इसको लाकर यहां ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा जीरो। क्योंकि हमें नॉर्मल फॉर्म में आइडेंटिटी मैट्रिक्स के साथ साथ बाकी बचे एलिमेंट भी हमारे क्या होते हैं, सारे जीरो होते हैं। तो अगर ऐसा कोई रो दिखता है जो पूरी तरह जीरो हो सके किसी और रो की हेल्प से, तो हम वो बीच में अप्लाई कर सकते हैं। ठीक, तो यहां पर हम इस एलिमेंट को वन बनाने से पहले अभी इस पूरे रो को जीरो बना देते हैं इस एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन के जरिए। तो कुछ हमें मिलेगा वन जीरो 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 सेवन माइनस फोर माइनस सिक्स, और ये सारे एलिमेंट हमारे क्या हो जाएंगे, जीरो हो जाएंगे। ओके, तो क्या वर्किंग रूल था, पहला एलिमेंट वन, इस वन की हेल्प से इसके नीचे भी जीरो बनाया, उसके बगल के एलिमेंट्स को भी जीरो बनाया। अब नेक्स्ट यहां वन करना है, तो यहां वन हम किसी भी ट्रांसफॉर्मेशन के जरिए कर सकते हैं रो या कॉलम। तो यहां दिख रहा है माइनस सिक्स है, इस माइनस सिक्स को अगर हम लाकर इसमें ऐड करते हैं, इस पूरे कॉलम को अगर हम इस कॉलम में ऐड करते हैं, तो यहां हमारा वन हो जाएगा। ओके, तो कॉलम टू को हम रिप्लेस करते हैं कॉलम टू प्लस कॉलम फोर से, कॉलम टू इज रिप्लेस्ड विथ कॉलम टू प्लस कॉलम फोर, और ये करते हैं तो कुछ हमें मैट्रिक्स मिलता है। पहला कॉलम सेम वैसे ही आया, सेकंड कॉलम में हम क्या कर रहे हैं, कॉलम फोर को लाके ऐड कर रहे हैं, तो यहां पर जीरो, यहां पर वन और यहां जीरो, तो ये हो गया जीरो वन जीरो। थर्ड कॉलम में हम लोगों ने कुछ नहीं किया, तो जीरो माइनस फोर जीरो। लास्ट कॉलम जो है जीरो माइनस सिक्स जीरो। ठीक,
तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स के लिए हमें सबसे पहले क्या चाहिए होता है, वन चाहिए होता है, तो ये वन है, उसके नीचे जीरो, उसके साइड के एलिमेंट सारे जीरो, फिर यहां वन हो गया, इसको वन करते ही इसके नीचे जीरो ऑलरेडी है। अब इस वन की हेल्प से इसके जो एडजेसेंट एलिमेंट्स है इस पूरे रो के, उनको भी जीरो करेंगे, तो इसको भी जीरो करना है, इसको भी जीरो करना है, तो कोई भी प्रोसेस हो सकता है इसको जीरो करने का, सबसे आंसर सेम आएगा। एक तो हम क्या कर सकते हैं, एक तरीका है कि हम कॉलम टू को रिप्लेस करें माइनस वन बाई फोर सी टू से कॉलम थ्री को, कॉलम फोर को रिप्लेस करें माइनस वन बाई सिक्स सी फोर से। ऐसा करने से क्या हो जाएगा, ये कॉलम हमारा माइनस फोर से, जैसे ही हम इसे डिवाइड करेंगे यहां वन हो जाएगा, यहां माइनस सिक्स से डिवाइड करेंगे तो यहां वन हो जाएगा। तो ये मैंने कई लेक्चर्स में पिछले बताया है कि अगर कोई जब रो ट्रांसफॉर्मेशन लगाते हैं तब भी हम ये चेक करते हैं कि क्या कोई रो किसी नंबर का मल्टीपल है, अगर है तो उस नंबर से डिवाइड करके उसको और सिंपल बना लेते हैं। ऐसे ही नॉर्मल फॉर्म में क्योंकि कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन भी यूज करते हैं, तो अगर कोई कॉलम हमको दिखता है कि किसी नंबर का मल्टीपल है तो उसको भी और छोटे डिजिट्स में हम चेंज कर सकते हैं। तो एक तो प्रोसेस ये कर सकते हैं, तो इसको करने से क्या होगा, वन जीरो 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 वन 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 जीरो 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 जीरो। या तो एक काम हम और कर सकते थे कि इस वन की हेल्प से ही यहां भी जीरो बना सकते थे, यहां भी जीरो बना सकते थे। क्या करते हैं, इसमें फोर मल्टीप्लाई करते और इस कॉलम में ऐड कर देते, फिर यहां सिक्स मल्टीप्लाई करते और इस कॉलम में ऐड कर देते, तो इस वन की हेल्प से ये दोनों एलिमेंट भी जीरो हो जाते। चलिए हमने थोड़े से सिंपल डिजिट्स रख लिए यहां पर, माइनस फोर माइनस सिक्स की जगह वन वन कर लिया। अब ये वन है, उसके नीचे जीरो, ये बगल में एलिमेंट जीरो हमने कर दिए, डायगनली आया इसको वन किया, अब इस वन की हेल्प से इसके नीचे जीरो, तो वो ऑलरेडी जीरो था, इसी वन की हेल्प से इन दोनों को जीरो बनाएंगे। तो कैसे होगा, सी थ्री में से अगर सी टू को सब्ट्रैक्ट कर दें, जो हमने वन बनाया है ठीक उसी की हेल्प से उसके बगल के एलिमेंट्स को और नीचे के एलिमेंट्स को जीरो करते हैं, किसी और वन की हेल्प नहीं लेनी है। सी फोर की हेल्प से सी फोर को कैसे चेंज किया, सी फोर में से इस सी टू को माइनस किया। ऐसा नहीं है कि इसी वन की हेल्प से ही जीरो होगा, लेकिन अगर आप इस प्रोसेस से चलते हैं तो गलती होने के चांसेस कम होते हैं। ओके, वैसे रो ट्रांसफॉर्मेशन कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन अपनी सुविधा के हिसाब से कोई भी हम लगा सकते हैं, फाइनली हमारा नॉर्मल फॉर्म में आना चाहिए। तो अब ये हमारा हो गया वन जीरो 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 वन जीरो जीरो, ये कॉलम जैसे ही हमने इस कॉलम थ्री से माइनस किया तो ये भी जीरो जीरो हो गया हमारा, इस कॉलम को इस कॉलम में से माइनस किया तो ये भी जीरो जीरो। ठीक, तो हम देख रहे हैं कि यहां पर हमारा एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स बन गया, और आइडेंटिटी मैट्रिक्स के अलावा जितने एलिमेंट हमारे सारे जीरो हो चुके हैं। ओके, तो अगर हम इसको सेपरेट कर देते हैं इस आइडेंटिटी मैट्रिक्स को कुछ इस तरह से, तो हम इस मैट्रिक्स को कुछ लिख सकते हैं आइडेंटिटी मैट्रिक्स ऑर्डर टू का, ये जीरो मैट्रिक्स बन रहा है जिसमें दो रोज और दो कॉलम्स हैं, ये भी जीरो मैट्रिक्स बन रहा है लेकिन इसमें एक रो है और दो कॉलम्स है, और ये भी हमारा जीरो मैट्रिक्स बन रहा है जिसमें एक रो और दो कॉलम्स। ठीक है, तो ये कुछ इस तरह से बना, ये और ये सेम है, बस रिप्रेजेंटेशन अलग तरीका है इसका लिखने का। सो रैंक ऑफ ए इक्वल ऑर्डर ऑफ द आइडेंटिटी मैट्रिक्स यानी टू, तो हमारा रैंक जो हो गया मैट्रिक्स का वो हो गया टू। एक और क्वेश्चन देख लेते हैं नॉर्मल फॉर्म का। नॉर्मल फॉर्म के वर्किंग रूल के लिए एग्जाम्पल को लेकर उसको समझना ज्यादा आसान है, कुछ चीजें जो फिर रिकॉल कर लेनी है वो क्या है, कोई भी मैट्रिक्स जब हम लेते हैं चाहे उसको इशेलॉन फॉर्म में चेंज करना हो या नॉर्मल फॉर्म में, सबसे पहले हम देख लेते हैं कि कोई रो जो है वो किसी पर्टिकुलर नंबर का मल्टीपल तो नहीं है। जैसे अगर इशेलॉन फॉर्म में चेंज करेंगे तो केवल रोज को चेक करेंगे, और नॉर्मल फॉर्म में क्योंकि हम रो और कॉलम ट्रांसफॉर्मेशंस दोनों यूज कर सकते हैं, तो उसमें क्या करेंगे, हम रोज को भी चेक करेंगे और कॉलम्स को भी चेक करेंगे कि क्या कोई रो या कॉलम किसी पर्टिकुलर नंबर का मल्टीपल तो नहीं है। अगर मल्टीपल होगा तो उस पर्टिकुलर नंबर से डिवाइड करने से हमारे जो यहाँ के एलिमेंट्स है डिजिट्स है वो थोड़े छोटे डिजिट्स आ जाएंगे, तो हमें जो ट्रांसफॉर्मेशन है या कैलकुलेशन करना आसान हो जाता है। उसके साथ साथ एक चीज और देखते हैं कि क्या दो रोज ऐसे हैं जो एक जैसे हैं ताकि सब्ट्रैक्ट करने पे ज्यादातर एलिमेंट्स जीरो हो जाए हमारे, वो पॉसिबिलिटी है, तो वो भी हम स्टार्टिंग में या बीच के किसी भी स्टेप पे अगर ऐसा कुछ आता है तो वो चीजें हम अप्लाई कर सकते हैं। अब आते हैं वर्किंग रूल पे, सबसे पहले देखते हैं, हम चेक करते हैं, तो देख रहे हैं हमारा रो वन जो है वो टू का मल्टीपल है। ओके, रो टू, रो वन और रो टू दोनों टू के मल्टीपल्स हैं हमारे, तो इन दोनों को क्या कर सकते हैं, हम टू से डिवाइड करके कुछ छोटे डिजिट्स हमें मिल जाएंगे। तो रो वन को रिप्लेस किया हम लोगों ने वन बाय टू रो वन से, इस जरूरी नहीं है स्टेप करना, बस कैलकुलेशन पार्ट हमारा थोड़ा इजी हो जाता है ये कर लेने से, डिजिट छोटे हो जाते हैं। तो ये करने से हमें जो इक्विवेलेंट मैट्रिक्स मिलेगा वो होगा वन माइनस वन जीरो थ्री, क्योंकि हमने रो वन को पूरा टू से डिवाइड कर दिया, सेकेंड रो को भी टू से डिवाइड किया तो मिला टू वन जीरो वन,
थर्ड रो हमारा वैसा ही रहेगा एज इट इज, थर्ड रो फोर्थ रो भी वैसे ही रहेगा क्योंकि इस पे हम लोगों ने कुछ भी अप्लाई नहीं किया। अब इसके बाद दिख रहा है हमारा ना तो कोई रो किसी नंबर का मल्टीपल है, ना ही कोई कॉलम, और ना कोई दो रोज या दो कॉलम्स एक जैसे हैं जिन्हें हम सब्ट्रैक्ट करके जीरोज बना सके, क्योंकि नॉर्मल फॉर्म में क्या होता है हमारा साइड में यहां पर आइडेंटिटी मैट्रिक्स मिलता है, उसके अलावा सारे एलिमेंट्स जीरो होते हैं। ठीक, तो अब आते हैं वर्किंग रूल पे। सबसे पहले आइडेंटिटी मैट्रिक्स नॉर्मल फॉर्म में चेंज करने के लिए हम यहाँ क्या करते हैं, वन करते हैं, और उस वन की हेल्प से इसके नीचे के सारे जीरो करते हैं एलिमेंट्स को, और ये उस रो के बाकी एलिमेंट्स को जीरो करते हैं। यानी इस वन की हेल्प से हमें इससे जीरो करना है, इसे जीरो करना है, इसे जीरो करना है, पहले ये कर लेते हैं, और उसके बाद इसी वन की हेल्प से इसको जीरो करना और इसको जीरो करना क्योंकि ये ऑलरेडी जीरो है। ठीक, तो यहां पर जीरो करने के लिए रोज के फर्स्ट कॉलम के यानी इन तीनों एलिमेंट्स को जीरो करने के लिए हम क्या ट्रांसफॉर्मेशन लगाएंगे, R2 replaced with R2 minus 2R1। और ध्यान रखना है इन तीनों को जीरो करने के लिए इसी वन की हेल्प लेंगे हम। R3 को रिप्लेस करेंगे R3 minus R1 से, और R4 को रिप्लेस करेंगे R4 minus R1 से। ये तीनों ट्रांसफॉर्मेशन जब हम लगाएंगे रो ट्रांसफॉर्मेशन, तो हमें कुछ इस तरह से मैट्रिक्स मिलेंगे, मैट्रिक्स हमारा इक्विवेलेंट मैट्रिक्स मिलेगा। ये आप लोग जानते हैं कि इसको कैसे सॉल्व करना है, इन ट्रांसफॉर्मेशन को कैसे अप्लाई करना है। ये हमारा हो गया जीरो 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 जीरो, ये दिख रहा है ये रो हमारे सेम थे। ठीक, तो इसको सब्ट्रैक्ट किया तो ये पूरा रो हमारा जीरो हो गया, और लास्ट रो जो है उससे हमें मिलेगा जीरो माइनस वन, वन माइनस वन। ओके, तो ये इस तरह से कुछ हमें मिला ये रो ट्रांसफॉर्मेशन लगाने पे। अब ये हमारा एलिमेंट वन हो गया, इसकी वन की हेल्प से नीचे सारे एलिमेंट जीरो हो गए। अब इस वन की हेल्प से ही हम इन तीनों एलिमेंट को जीरो करेंगे, तो कॉलम टू को रिप्लेस करेंगे कॉलम टू प्लस कॉलम वन से, इसी वन की हेल्प से करना है हम लोगों को, ये ऑलरेडी जीरो है। कॉलम थ्री के लिए क्या करेंगे, इसमें से इसका थ्री टाइम सब्ट्रैक्ट कर देंगे, यानी कॉलम थ्री इज रिप्लेस्ड विद कॉलम थ्री माइनस थ्री सी वन। तो मैंने बताया था आपको कुछ कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं है, अगर आपने इसी कॉलम की हेल्प से किया है तो आपका पहला कॉलम वैसे का वैसे ही आएगा, ये तीनों एलिमेंट जीरो हो जाएंगे और बाकी एलिमेंट एज इट इज वही आएंगे अगर आप ये ट्रांसफॉर्मेशन लगाएंगे तो, माइनस वन वन माइनस वन। तो कुछ इस तरह से हमारा आया ये ट्रांसफॉर्मेशन लगाने पे। अब ये एलिमेंट हमारा वन हो गया, इसके नीचे सारे जीरो हो गए और ये एलिमेंट्स हमारे जीरो हो गए। नेक्स्ट क्या करना है, हमें यहां पर वन चाहिए। ठीक, क्योंकि आइडेंटिटी मैट्रिक्स में डायगनली वन एलिमेंट वन मिलता है, तो यहां पर वन करने के लिए हम कोई भी ट्रांसफॉर्मेशन लगा सकते हैं। जैसे हम क्या कर सकते हैं, इस स्टेज पे हमें दिख रहा है कि कॉलम में कहीं हमारे पास वन नहीं है, नहीं तो हम कॉलम को इंटरचेंज कर लेते हैं। यहां रो में माइनस वन है, तो क्या करें, अगर हम पहले इन दो रोज को चेंज कर ले आपस में और उसके बाद ये वाला रो जहां भी जाएगा उस रो को माइनस वन से मल्टीप्लाई कर दे तो हमें यहाँ पे वन मिल जाएगा। तो सबसे पहले तो हम R2 और R4 को क्या करते हैं, आपस में इंटरचेंज करते हैं ताकि कम से कम माइनस वन की एंट्री तो हुआ डायगनल एलिमेंट में। ठीक, तो हम क्या करेंगे फोर, और ये करते हैं तो इक्विवेलेंट मैट्रिक्स हमारा कुछ इस फॉर्म में मिलेगा वन जीरो जीरो जीरो, ये भी जीरो हमारा है। ठीक, यहां पर हमारा हो जाएगा चेंज करने के बाद यहां हो जाएगा माइनस वन माइनस वन वन माइनस वन जीरो जीरो जीरो, और ये हमारा हो गया थ्री जीरो माइनस फाइव। ओके, अब क्या करेंगे, इस पूरे रो को अगर हम माइनस वन से मल्टीप्लाई कर देते तो यहां पे हमारा वन हो जाएगा, तो आर टू इज रिप्लेस्ड विथ माइनस वन आर टू। ये ट्रांसफॉर्मेशन करेंगे तो हमें कुछ मिलेगा वन जीरो 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 वन माइनस वन वन जीरो 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 जीरो, और एक काम और कर सकते हैं, ये जीरो वाली एंट्री पूरी हम एकदम नीचे कर सकते हैं क्योंकि हमें यहां पर आइडेंटिटी चाहिए और नीचे और साइड में जितने भी जीरो एलिमेंट चाहिए, तो यानी आर थ्री और आर फोर को हम यहीं पर आपस में रिप्लेस कर सकते थे, ये दो ऑपरेशन एक साथ हम लोगों ने लगाया। तो ये हमारा ये जीरो वाला रो जो है वो नीचे चला गया और ये हो गया हमारा ऊपर। ठीक है, अब क्या करेंगे, ये वन हुआ, इसकी हेल्प से इस वन की हेल्प से हमने नीचे जीरो किया, ये बगल के एलिमेंट्स को जीरो किया, फिर इसको वन बनाया, अब इसकी वन की हेल्प से इसके नीचे के एलिमेंट्स को जीरो करेंगे। यहां जीरो करने के लिए हमें क्या करना होगा, आर थ्री रिप्लेस्ड विथ आर थ्री माइनस थ्री आर वन। ठीक, इसी वन की हेल्प से बनाएंगे जीरो, तो आर थ्री को रिप्लेस करना होगा आर थ्री माइनस थ्री आर वन से, तो कुछ हमें मिलेगा वन जीरो 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 वन माइनस वन वन। अब यहां थ्री मल्टीप्लाई करेंगे और इसमें से सब्ट्रैक्ट करेंगे तो जीरो, ये थ्री मल्टीप्लाई हुआ ये भी जीरो हो गया,
ये माइनस थ्री है तो यहाँ पर थ्री हो गया, यहाँ थ्री मल्टीप्लाई किया और यहां से सब्ट्रैक्ट करेंगे तो यहां पर हमारा कुछ आएगा। तो यहां पर थ्री मल्टीप्लाई किया हम लोगों ने तो माइनस फाइव माइनस थ्री यानी माइनस एट। एक यहां पर ये आर वन है, ये आर टू है, ठीक। उसके बाद ये लास्ट रो हमारा ऐसे का ऐसे ही रहा, ठीक। अब ये वन हो गया, इसकी हेल्प से ये दोनों जीरो हो गए, तो इसी वन की हेल्प से ये साइड के एलिमेंट्स को जीरो जब हम करेंगे तो कॉलम थ्री को रिप्लेस करेंगे कॉलम थ्री प्लस कॉलम टू से, क्योंकि इसी वन की हेल्प से हमको जीरो करना है। तो कॉलम थ्री में कॉलम टू ऐड किया और कॉलम फोर में से क्या करेंगे, कॉलम टू को माइनस करेंगे, तो हमें कुछ मिलेगा वन जीरो जीरो जीरो, ये भी नीचे जीरो एलिमेंट। उसके बाद ये वन बताया था मैंने कि ये सारे एलिमेंट्स, ये दोनों एलिमेंट जीरो हो जाएंगे और बाकी एलिमेंट्स हमारे एज इट इज आएंगे, थ्री माइनस एट जीरो जीरो, ओके। तो ये वन हुआ, इसकी हेल्प से नीचे जीरो, इन एलिमेंट्स को जीरो किया, डायगनली गए, इसको वन किया, इसकी हेल्प से इसके नीचे जीरो, साइड के एलिमेंट जीरो। अब हमें यहां वन करना है, इस पूरे कॉलम को हम थ्री से डिवाइड कर सकते हैं और इस कॉलम को भी हम माइनस एट से डिवाइड कर सकते हैं, तो हमें ये दोनों जगह भी वन मिल जाएगा, ठीक। क्योंकि आइडेंटिटी मैट्रिक्स बनाना है और जीरो मैट्रिक्स, नॉर्मल फॉर्म में दो ही मैट्रिक्स आ रहे हैं हमारे, आइडेंटिटी और जीरो, तो एलिमेंट्स या तो वन हमें करने हैं या जीरो, ओके। तो नेक्स्ट हम करेंगे कॉलम थ्री रिप्लेस्ड विथ वन बाई थ्री कॉलम थ्री एंड कॉलम फोर रिप्लेस्ड विथ माइनस वन बाई एट इंटू कॉलम फोर, और ये कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन हम लगाएंगे तो मिलेगा वन जीरो 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 फर्स्ट कॉलम, जीरो वन जीरो जीरो सेकेंड कॉलम, थर्ड कॉलम जीरो जीरो वन जीरो और फोर्थ कॉलम जीरो जीरो वन जीरो, ओके। तो ये हम देख रहे हैं यहाँ वन हुआ इसके नीचे। अगर हम आइडेंटिटी मैट्रिक्स की बात करें तो वन, ये सारे एलिमेंट जीरो, ये सारे एलिमेंट जीरो, फिर वन, इसके नीचे सारे जीरो, साइड के एलिमेंट सारे जीरो, यहाँ वन, इसके नीचे जीरो। अब इस वन के बगल में ये एलिमेंट भी हमारा जीरो होना चाहिए और वो इसी वन की हेल्प से होगा, तो हम क्या करेंगे कॉलम फोर को रिप्लेस करेंगे कॉलम फोर माइनस कॉलम थ्री से, तो ये हमारा नेक्स्ट मैट्रिक्स मिलेगा वन जीरो 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 वन जीरो 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 वन जीरो 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 जीरो, ओके। तो ये देख रहे हैं हम कि यहाँ पर हमारा आइडेंटिटी मैट्रिक्स हो गया और उसके अलावा सारे एलिमेंट्स हमारे जीरो में चेंज हो चुके हैं। इसी से पहचान होती है नॉर्मल फॉर्म की कि आपका लेफ्ट टॉप लेफ्ट कॉर्नर पे आइडेंटिटी मैट्रिक्स फॉर्म हो जाए और उसके अलावा सारे एलिमेंट्स जीरो। तो ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स जो हमारा फॉर्म हो रहा है इसको इस तरह से सेपरेट करते हैं, ठीक। तो हमें कुछ मिलेगा आइडेंटिटी मैट्रिक्स ऑर्डर थ्री का, जीरो मैट्रिक्स जिसमें तीन रोज हैं एक कॉलम है, जीरो मैट्रिक्स जिसमें एक रो है तीन कॉलम्स है, और ये जीरो मैट्रिक्स जिसमें एक रो और एक कॉलम है, ओके। तो रैंक हमारा हो जाएगा ऑर्डर ऑफ द आइडेंटिटी मैट्रिक्स यानी रैंक इक्वल्स थ्री, ये हमारा आंसर है, ओके।